में ऑटो का मिनिमम किराया 10 रुपए निर्धारित किया गया है और अलग अलग रूट के लिए 10 से 50 रुपए का किराया निर्धारित किया गया है। रिपोर्ट देखें। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर राजधानी में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी कि ऑटो चालक मनमाना भाड़ा वसूल रहे हैं, जिसके बाद गुरुवार को उप परिवहन आयुक्त सह सचिव निरंजन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में ऑटो का किराया तय किया गया। इसमें 5 ऑटो यूनियन के सदस्य आए थे, ट्रैफिक डीएसपी आए हुए थे, एमवीआई भी आए हुए थे, चालक संघ के भी आए थे 3 प्रतिनिधि। उनको बीच में सर्वसम्मति से भाड़ा तय हुआ है, जिसमें मिनिमम भाड़ा 10 रुपया है, अधिकतम 40 गया है, विशेष परिस्थिति में कहीं 50 भी गया है। जो टाउन से जैसे वर्मा जी जाना है, चिड़ियाखाना जाना है, उसके लिए विशेष परिस्थिति हुआ, अदरवाइज मिनिमम 10 ही रखा गया एक स्टॉपेज चलने के लिए। रांची में डीजल और पेट्रोल ऑटो चलते हैं। बीते कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में यात्रियों से ऑटो चालक अधिक किराया वसूल रहे थे, कई बार नोक झोंक की स्थिति बन जा रही थी। ऐसे में बैठक कर किराया तय किया गया। ऑटो चालक को गाड़ी के शीशे पर रूट का भाड़ा चिपकाना होगा। साथ ही ऑटो चालक को सख्त निर्देश दिया गया है कि अधिक भाड़ा न वसूला जाए। ऑटो चालक वर्दी में रहें, ऑटो में प्राथमिक उपचार के लिए दवाएं भी रखी जाए। इसके बावजूद अगर परिवहन विभाग को शिकायत मिलती है तो ऐसे चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी ऑटो चालक होता था अपने ड्रेस में रहता था, इसमें ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। उनका अपना जो है ड्रेस, उसमें ड्रेस में रहेंगे और उनके अलावा फर्स्ट एड बॉक्स भी रखेंगे। कहीं किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता था, छोटी मोटी दुर्घटना हो जाने पर, जख्म हो जाने पर उसको तत्काल राहत नहीं मिल पाता था, उसके फर्स्ट एड बॉक्स भी डाला हुआ रहेगा। सभी ऑटो चालक से अपना अपना शीशा साट देंगे, सो देट कि सभी यात्री पता चले किस रूट में कहाँ से कहाँ दूरी का कितना हमको भाड़ा देना है। एक नज़र में उसको दिखाई पड़ जाएगा, देख लेंगे उसी हिसाब से भाड़ा उनको वसूली होगा, उसी हिसाब से भाड़ा भी यात्री से देंगे। उस पर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होता है, नहीं मानते हैं तो हमारे पास शिकायत करेंगे, फिर उसको हम संज्ञान में लेंगे, उस पर निर्णय लेंगे। परिवहन विभाग ने यात्रियों से मनमानी वसूली पर ब्रेक लगा दिया है। अब यात्री भी जागरूक नागरिक की तरह सरकार द्वारा निर्धारित भाड़े के अनुरूप ही पैसा दें। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट।